दोस्तों, आपने प्लेन दुर्घटनाओं के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया की तीन सबसे दर्दनाक और दुखद प्लेन घटनाएं कौन सी थी? दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा दुनिया की सबसे खतरनाक प्लेन क्रैशेस के बारे में। 17 जुलाई 2014 को मलेशियन एयरलाइंस फ्लाइट 17 ने नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम एयरपोर्ट से ठीक 12:13 पर उड़ान भरी। यह एक बोइंग 777 पैसेंजर विमान था। इस प्लेन में 283 पैसेंजर्स के साथ 15 क्रू मेंबर्स भी सवार थे। 12 घंटे की यह फ्लाइट उड़ान भरने के लगभग 4 घंटे बाद रडार से अचानक गायब हो गई। कुछ समय तलाश करने के बाद यह पता चला कि यह प्लेन क्रैश हो चुका था। रिसर्च के बाद पता चला कि इस फ्लाइट को एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल ने मार गिराया था। पूरी दुनिया का कहना है कि रशियन गवर्नमेंट ने इस फ्लाइट को एक लड़ाकू विमान समझकर गिरा दिया था। हालांकि रशिया आज भी इस बात से साफ इनकार करता है कि चलाई गई मिसाइल उसकी थी। मिसाइल लगने के 90 सेकंड बाद प्लेन ज़मीन पर आ गिरा। प्लेन में सवार 298 यात्रियों में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाया। प्लेन में सफर कर रहे लगभग 80 लोग 18 से भी कम उम्र के थे। नंबर 2, सऊदी फ्लाइट 163। 19 अगस्त 1980, सऊदी एयरलाइंस की इस फ्लाइट में 297 पैसेंजर्स और 14 क्रू मेंबर सवार थे। यह विमान सऊदी एयरलाइंस का एक लॉकहीड L1011 विमान था। रियाद से जद्दा जाने वाली इस फ्लाइट ने 9:08 पर उड़ान भरी। उड़ान भरने के ठीक 7 मिनट बाद प्लेन के कार्गो कंपार्टमेंट में से धुआं आने लगा और पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग कराने का निर्णय लिया। प्लेन ने एक सेफ इमरजेंसी लैंडिंग तो की, लेकिन फिर भी कोई जिंदा नहीं बच पाया। आग से निकला धुआं पूरे 301 लोगों की मौत का कारण बना। हादसे के पीछे का कारण प्लेन के कैप्टन को माना जाता है। अगर वह समय रहते सबको बाहर निकाल देते तो शायद कई लोगों की जान बच सकती थी। नंबर 3, एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812। 22 मई 2010, यह तारीख है जब एयर इंडिया के इतिहास की सबसे दर्दनाक दुर्घटना घटी थी। एयर इंडिया के इस बोइंग 737 प्लेन में कुल 160 लोग सवार थे, जिसमें 152 पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर शामिल थे। दुबई में रिफ्यूलिंग करने के बाद इस फ्लाइट ने 1:06 पर मैंगलोर के लिए उड़ान भरी और 6:05 पर यह इस विमान को लैंडिंग करनी थी। इस प्लेन ने लैंडिंग तो की, पर यह प्लेन रनवे के पार चला गया और पास की पहाड़ी में जा टकराया। पहाड़ी से टकराते ही एयर इंडिया का यह प्लेन चकनाचूर हो गया। इस हादसे में कुल 152 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और सिर्फ 8 लोग ही जिंदा बच पाए। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि इस प्लेन के पायलट ने एंड टाइम पर लैंडिंग अबोर्ट करने की कोशिश की, जिसकी वजह से प्लेन कंट्रोल से बाहर हो गया और पहाड़ी से जा टकराया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही रोचक वीडियोस के लिए।